उत्तराखंड में जब एक फौजी रिटायर होकर लौटा, गांव में जश्न का आगाज हो गया। रिटायर कैप्टन की मां की आंखों में दिखी ऐसी खुशी जिसकी व्याख्या आप अपने शब्दों में नहीं कर सकते। 5 बड़े आर्मी ऑपरेशन में उत्तराखंड का ये लाल रहा शामिल। मां की दुआएं काम कर गईं, गांव लग गया मंडाण। जब तक ये ड्यूटी पर रहनी, जो दिन हमारा परेशानी रहनी, हम परेशान बॉडी पर रहनी, तो भगवान रूप तो जब आसरा राम करना कि भगवान बस राज कुछ ये अपने घर में जाओ ना बस। माँ के चेहरे पर चिरस्थायी मुस्कुराहट लौट आई है। अब सुबह दोपहर चैन के साथ बिना अंदेशे के रह पाएंगी, अब रात को निश्चिंता के साथ सो पाएंगी। अब पहले की तरह दिल की धड़कने तेज रफ्तार के साथ धक धक नहीं कर पाएंगी, अब डर के साए में नहीं जिएंगी, अब माँ चैन की सांस ले पाएगी। जी हाँ, ये हर उसी माँ की कहानी है जिसके घर का चिराग देश के लिए सरहदों पर अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है। उत्तराखंड की रहने वाली इस माँ की 30 सालों की वो लड़ाई अब विश्राम अवस्था में है, जिसका फौजी बेटा 30 साल तक देश की सेवा करने के बाद सकुशल रिटायर हुआ। 5 बड़े से बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जी भर के लड़ाई की, कामयाबी हासिल की। अब इस माँ का कैप्टन बेटा अपने पद से रिटायर हो गया, देश के लिए लड़ने के बाद अब उत्तराखंड के लिए जिएगा। हाँ, परिवार को देने का समय तो अभी भी नहीं है। जो हम लोग काम करना चाह रहे कि बस अब मैं रिटायरमेंट होकर मैं बैठ गया, नो, ये मेरी डिक्शनरी में बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी भी मेरा वही स्पीड, वही रिदम घर में भी रहेगा काम करने के लिए, और मैं अपने उत्तराखंड से जुड़ूंगा, उत्तराखंड के लिए कुछ करूंगा, जो भी करूंगा उत्तराखंड के लिए करूंगा। आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी आई। कैप्टन सतीश कुमार रिटायर होने के बाद अपनी जन्मभूमि पौड़ी गढ़वाल के गढ़ौली गांव आए, तो गांव वालों ने मंडाण लगा दिया। मंडाण गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी में देवी देवता पूजन और शादी विवाह के मौकों पर एक लोक नृत्य है। इस नृत्य में शरीर के हर अंग का इस्तेमाल होता है। अब कैप्टन साहब रिटायर होकर आए तो लोगों ने उनका स्वागत कुछ इस तरीके से किया। खूब ढोल नगाड़े बजने लगे, चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि मेला लगा हो। हर किसी के चेहरे पर स्थायी मुस्कान दिख रही थी। कैप्टन सतीश कुमार के पिता फूले नहीं समा रहे थे। 4 वर्दी वाले हैं हमारे पास, एक तो बड़ा वाला लड़का है बेटा, दूसरा जब नहीं आ रहा है, और 2 हमारे पुलिस में है, एक हमारा भतीजा है, एक लड़का ये है। तो मैं बोलता हूँ कि जिस घर में बेल्ट वाले हों, पुलिस जिसको हो, उसको किस बात की डर, और जो फौज में भर्ती है सीमाओं को लड़के आए हैं उसको किस बात की डर, सीमाओं से लड़के आए हैं। सतीश कुमार ने सेना के कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया, दुश्मनों को कई बार धूल चटाई। सतीश कुमार ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन प्रकाशम, ऑपरेशन राइनो में हिस्सा ले चुके हैं। देश की सुरक्षा में अपना पूर्ण योगदान सेना में दे चुके हैं। वो जिस भी ऑपरेशन का हिस्सा रहे वो ऑपरेशन सफल रहा। यही कारण है कि रिटायरमेंट के बाद जब वो अपने गाँव पहुंचे तो उनका ऐसा स्वागत हुआ कि कई गाँव के लोग उन्हें बधाइयां देने पहुंचे।